सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये 2024 का पहला ब्लॉग होने वाला है। मैंने अभी तक एक भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। फिलहाल अब हम 2024 स्टार्ट कर रहे हैं 19 जनवरी से और जा रहे हैं भाई खाटू श्याम। मैं रहता हूँ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से हमारी जर्नी होने वाली है, खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की डिटेल बताते हैं, क्योंकि गाड़ी आ रही है और हम लेट हो रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पे और ये रोड पार करते हैं और फिर एंट्री लेते हैं अंदर। गाड़ी कितनी लेट आई भाई, देखना इसमें ट्विन एल्को लगे हुए हैं। गाइस ये ट्विन एल्को है, ये दूसरी गाड़ी है। तो गाइस अभी हमने ले लिया टिकट। टिकट ये रही, टिकट का किराया है भाई 120 रुपये जर्नल का। फैमिली जा रही है स्लीपर में, मैं जा रहा हूँ जर्नल में। उनकी है वेटिंग टिकट, मेरी है मतलब जर्नल वाली टिकट। एक्चुअली वो लोग जा रहे थे, मेरा कोई प्लान नहीं था, तो लास्ट मोमेंट में मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चलता हूँ। मैं अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना यार चलते हैं मंदिर और मतलब मिल के आते हैं खाटू श्याम बाबा से, और अपना जो नया प्रोजेक्ट है ना उस पर मैं थोड़ा बहुत सोच रहा था काम करने के लिए, उसी की वजह से मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था। मैंने सोचा चलो आशीर्वाद लेके आते हैं खाटू श्याम बाबा का, और अपने नए चैनल पर भी काम करेंगे, उस पर भी काम करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो चलते हैं, फैमिली भी जा रही है। तो वैसे मैं आपको गाड़ी की डिटेल बताऊंगा अंदर जाके, ठीक है। और एक गाड़ी आई है अभी रिसेंटली, वो आई है हैदराबाद, जयपुर हैदराबाद। अभी आप यहाँ का माहौल देखो भाई, ये गाड़ी आई है इस वजह से क्राउड है, अभी ये क्राउड सारा चला जाएगा। हम सबसे आगे आगे जाते हैं क्योंकि फैमिली उधर है। भीलवाड़ा का स्टेशन कोड है BHL और ये भाई भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है, ठीक है ना, याद रखना, टेक्सटाइल सिटी है, बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है। मैं जब भी भीलवाड़ा से निकलता हूँ भीलवाड़ा के बारे में बिल्कुल ही नहीं बताता भाई, आज मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म इसके 4 हैं, नंबर ऑफ़ ट्रैक भी इसके 4 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म 3 और 4 के बीच में एक सिंगल लाइन है, इस वजह से ट्रैक 4 है। बट कोई ना, हम आगे चलते हैं और ये वाली गाड़ी निकलती है उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें ट्विन एल्को लगे हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिए हैं। अभी ये देखो भाई कितनी भरी हुई है, ये है इसका GS का डिब्बा, फुल पैक गाड़ी है, इधर पूरी भरी हुई है भाई, भूसा ऐसी भरी हुई है। अभी इधर सीन देखो भाई, ये लोग जाएंगे कैसे, आधे तो बाहर ही लटके हुए हैं और इनको हैदराबाद जाना है यार। यहाँ मतलब छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं कवर करना, इनको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है। देखो अंदर भी भरी हुई है गाड़ी और बाहर तक लटके हुए हैं, और इधर सारे ये AC के डिब्बे हैं, सेकेंड AC डिब्बा है। सो गाइस ये जा रहे हैं ट्विन एल्को, देख रहे हो WDM3D 11410 इंजन का नंबर इसका, ट्विन एल्को जो कि जयपुर हैदराबाद में लगे हुए हैं। भाई क्या ही खूबसूरत है, ये जा रहा है इसका GS का डिब्बा भाई, फुल पैक है, फुल भरा हुआ है। देख रहो ये देखो, बाकी ये सारे इधर AC के डिब्बे हैं। एक आगे जर्नल का डिब्बा लगा था इसमें और मे भी एक पीछे लगा होगा भाई, भीड़ बहुत है इसमें। ये जाती है सीधा हैदराबाद, ये आई थिंक वीकली गाड़ी है, हफ्ते में 1 या 2 दिन चलती है। कभी इसमें जर्नी होगी तो पता नहीं, देखो कब होगी कोई आइडिया नहीं है, बट गाड़ी लॉन्ग रूट की है और इस रूट से जाती है तो अच्छी बात है। अब इसके बाद में हमारी गाड़ी आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, हम ट्रैवल कर रहे हैं भाई चेतक से। गाड़ी का नंबर है 20474 जिसका टाइम है यहाँ पर 8:15 पर आती है। अगर आपको खाटू श्याम मंदिर जाना है भाई, भीलवाड़ा से जाना है, तो ये गाड़ी आपको डेली मिलेगी, रिंगस जंक्शन पहुँचाएगी और वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो, शेयरिंग जीप मिल जाएगा जो कि आपको खाटू श्याम मंदिर तोरण द्वार तक पहुँचा देगा। पर टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ तो मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, ठीक है, मैं लेके जाऊँगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलो मज़ा करेंगे जर्नी में, फैमिली जाएगी स्लीपर में, मैं जाऊँगा जर्नल में। भाई इसमें और कुछ डिब्बे अटैच होंगे क्या, ये देखना। सो अभी आ रही है हमारी गाड़ी, गाड़ी ऑन टाइम पे आ रही है। गाड़ी का टाइम भाई 15 था तो 2 मिनट लेट आ रही, बट कोई ना कभी कभी जल्दी आ जाती है। ये आ जाएगी, इसमें हम ऑन बोर्ड होंगे और सीट कवर करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पहला काम यही रहता है जर्नल में सीट कवर करना, ठीक है। बहुत अच्छी गाड़ी है, अगर आपको खाटू श्याम जाना है भाई, ये उदयपुर से डेली गाड़ी चलती है, उदयपुर से मावली होते हुए, चित्तौड़ होते हुए, भीलवाड़ा, अजमेर, रिंगस होते हुए, ये दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँचती है। ये सुबह पहुँचती है, सुबह 4:30 बजे का टाइम है इसका, दिल्ली सराय रोहिल्ला। तो गाड़ी आ रही है, ऑनबोर्ड होते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। भाई आज कौन सा है, WAP7 WAP7 लोकोमोटिव है, देखो कहाँ का आई है, गाजियाबाद।
भाई सारे लोग आ रहे हैं चढ़ने के लिए। सो फाइनली डिपार्चर हो रहा है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से। ऑन टाइम पे गाड़ी आई और ऑन टाइम पे निकल रही है भाई। इसका टाइम है 8:20 भीलवाड़ा से निकलने का टाइम। 2024 की फर्स्ट जर्नी हो रही है मेरी। सो अभी आप जर्नी एंजॉय करो गाइस। सुबह की सब्जी मंडी। गाइस अभी स्पीड चेक करो इसकी भाई साहब, क्या स्पीड में भाग रही है गाड़ी। होल्ड करना भी मतलब फोन को होल्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतनी स्पीड में गाड़ी भाग रही है। अभी अभी साइड का सीन देख सकते हो, जनरल में मतलब जनरल में सीट मिल जाती है, ऐसा कुछ सीन है। बट मैं बैठता नहीं हूँ भाई, मुझे बैठना नहीं है, मेरी सीट है बट मैं भाई गेट के पास में हवा खा रहा हूँ। अभी आप इस साइड में विजयनगर को देखो किस तरह से सजा दिया गया है भाई। अयोध्या राम मंदिर, राम प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, भाई पूरा रास्ता सजा दिया गया है। इधर आ रहा है पहला होल्ड विजयनगर रेलवे स्टेशन, बट मैं तो इधर देख रहा हूँ, देखो पूरा रास्ते ही सजा दिया है। ये देखो लाइटिंग विजयनगर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गई हमारी गाड़ी, ऐसा लग रहा है दिवाली आ रही है। गाइस अभी देखो सीन कुछ ऐसा है, हम सबसे आगे बैठे हैं, आगे के तीसरे डिब्बे में बैठे हुए हैं। वेब 7 का लोकोमोटिव लगा है जो कि अच्छी तरह से गाड़ी को खींच रहा है। इस साइड में देखो कितना सारा काम हो गया है ना, एक नई बिल्डिंग बननी है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड में बन रही है, रीडेवलपमेंट। मेरी जर्नी जा रही है बाहर, मैं मैक्सिमम टाइम बाहर गेट पे ही खड़ा हूँ भाई। मैं सीट इतनी है नहीं, गाड़ी मतलब भरी हुई चलती है। मैं आपको बता दूँ कि भाई अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो स्लीपर ले लेना, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो जर्नल ले लेना, तो आपको नीचे ऊपर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। मैं एक वजह से और सीट छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना पड़ता है, इस वजह से मैं जानबूझ के सीट छोड़ भी देता हूँ। और कोई ना, बैक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उधर साइड में लोग उतरेंगे और चढ़ेंगे। अभी इधर देखो भाई इतनी ठंड में ये सो रहे हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसा स्टेशन है नाइट में आओगे ना तो भाई फंसने वाले चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भाई आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, डॉर्मेट्री रिटायरिंग रूम कुछ भी नहीं मिलने वाला, बहुत छोटा स्टेशन है ये, ठीक है। मतलब प्लेटफॉर्म बड़ा है स्टेशन एज़ कम्पेयर टू अजमेर जयपुर, छोटा स्टेशन है, तो यहाँ पर कभी मतलब उतर मत जाना गलती से भी, छोड़ मत जाना। बाकी रात के 9 बजे भी आपको समोसे वमोसे मिलते रहेंगे, देखो भाई कंटिन्यू समोसे समोसे समोसे। इधर देखो भाई पूरी गाड़ी भर चुकी है अब, भाई देख रहे हो सारे लोग जमीन पे बैठे हुए हैं गैलरी में, इधर भी बैठे हुए हैं सारे। कुछ ऐसा सीन है इस गाड़ी का, इसलिए भाई जर्नल मत लेना, स्लीपर ले लेना। लो भाई इस साइड में आई डोंट नो कौन सी गाड़ी आई है, इसको आने दो। अनन्या नहीं है ये, वेब 7 लोकोमोटिव ICF फ्रेक है भाई, ICF। अभी हो रहा है हमारी गाड़ी का डिपार्चर, और ये है नागपुर जयपुर वीकली एक्सप्रेस जो कि जयपुर से नागपुर के लिए जा रही है। भाई इस साइड की मतलब जर्नल में ओ खाली है यार, आराम से सीट मिलने के चांसेस हैं इसमें। नागपुर जा रही है नागपुर, और हमारी गाड़ी का डिपार्चर। सो गाइस इस साइड में सीन देखो कुछ रेड रेड, हमारी गाड़ी आ गई है भाई मेन लाइन पे। फाइनली गाइस अभी हम अजमेर पहुंच रहे हैं, टाइम हो रहा है भाई 10 बज गया, अब हम अजमेर पहुंच रहे हैं। नसीरबाद निकल गया, ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट अजमेर जाके गाड़ी रुक रही है अभी। मतलब बाहर साइड में इधर से देखो आप, इधर से देखो रोड साइड में चलने लग गई तो अजमेर पता चल गया अजमेर आ रहा है। अभी हम अजमेर पहुंचते हैं, फिर कुछ खाने पीने का देखेंगे, मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इधर वाला कोच खाली था तो सीट मिल गई है, अब मैं बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत आराम कर रहा हूँ, और अजमेर में सीन होगा तो नीचे उतरेंगे वरना नहीं उतरेंगे। सो फाइनली गाड़ी अजमेर पहुँच चुकी है भाई। इस साइड में देखो कितने सारे लोकोमोटिव खड़े हैं बाहर। अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गई है गाड़ी हमारी। अंदर कर दो भाई, एक मिनट में खींच लेंगे फोन भाई, तो देख रहा हूँ मैं। तो अभी हम नीचे नहीं उतर रहे, नीचे नहीं उतरने का रीज़न यही है कि भाई एक बार नीचे गए तो सीट नहीं मिलेगी, इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे। गाड़ी हमारी अजमेर पहुंच चुकी है, और मतलब टाइम पे पहुंची है, इसका जो टाइम था उसी टाइम पे पहुंची है। अभी हो रहे 10:10 भाई टाइम पे ही, और आई थिंक जल्दी पहुंच गई मेरे ख्याल से, 1-2 मिनट
और कोई ना, अभी देखते हैं, 2 मिनट का होल्ड होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से डिपार्चर होगा, डिपार्चर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब मार दी, मैंने बचा है, पूरा रास्ता कह गई है। देख रहे हो, भाई क्राउड देखो, सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। ओहो, अभी तक शांति थी, पीछे देखो भाई साहब, अजमेर पहुंचने के बाद में ऐसा हो रहा है, देख लो इधर देखो भाई, आधे से ज्यादा लोग तो बाहर ही खड़े हैं लग रहा है ऐसा, भाई अंदर चढ़ने की भी जगह नहीं मिल रही। भाई साहब ये लास्ट टाइम सीन नहीं हुआ था, लास्ट टाइम मैं दिल्ली गया था जब इस गाड़ी में, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभी आज बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा, आज शुक्रवार, कल शनिवार को भी भीड़ होगी, संडे को भी भीड़ होगी, मतलब ज्यादा भीड़ है। अभी देखो अभी भी लोग बाहर खड़े हैं और उस साइड में पुलिस ऑफिसर खड़ा है जो कि मतलब ऊपर इन लोगों को चढ़ा रहे हैं। अभी भी मतलब इतना क्राउड है बाहर, देख लो नीचे से मेरे को तो दिख रहा है, इसमें कैप्चर हो रहा है। अभी हो रहा है गाड़ी का डिपार्चर अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई देख लो, बाहर से ही दिखा सकता हूँ, इस साइड से कोई गाड़ी आ रही है, Web 7 का लोकोमोटिव, कौन सी आई है पता नहीं चल रहा है यार, या तो अनन्या होगी या जयपुर, अनन्या होगी आई थिंक, अनन्या होगी। भाई इधर सीन देखो, इधर पूरी गाड़ी भर चुकी है अपनी पूरी गाड़ी भर चुकी है, इधर डिपार्चर हो चुका है रिंदस जंक्शन, आ रहे बस 2 मिनट, उधर से देख, ट्रेन की लेफ्ट दीवार फुलेरा का ब्लॉग है, रिंदस जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गई है गाड़ी। भाई साहब ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, पुलिस वाले वो RPF धर लेंगे यहीं पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही गाड़ी भाई। गाड़ी ऑन टाइम पे आई है, प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, उस साइड में इधर नहीं है रिंग जंक्शन। भाई साहब इधर देखो कुछ ऐसा सीन हो रहा है, काफी ज्यादा रिडेवलप हो गया भाई, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, पूरे 1 साल बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1 साल से भी ज्यादा हो गया तब आया था, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, काफी चीजें बदल गई भाई। रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन, वन एंड ओनली रेलवे स्टेशन जो खाटू श्याम मंदिर के बिल्कुल पास में है, 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो नीचे उतरते हैं फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है भाई। ठंड के टाइम पे बहुत हालत खराब होती है जर्नी करने में। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है गाड़ी, ऐसा वो सीन है देख लो भाई, ऐसा कुछ सीन है। अभी मैं जा रहा हूँ भाई अपनी फैमिली को लेने जो कि पीछे है, ठीक है, फैमिली को लेके आते हैं, ऑन टाइम पे गाड़ी आई है, 47 का टाइम था इसका और 47 पे ही आई है, 3 मिनट का होल्ड है, अब गाड़ी यहाँ से जा रही है, हम फैमिली को लेते हैं जाके। ये जा रही है गाड़ी देख लो भाई, ऑन टाइम पे गाड़ी जा रही है और हम जा रहे हैं पीछे, क्योंकि पीछे भी लगती है जीप जाने के लिए। अभी ऐसा सीन हो रहा है, फुट ओवर ब्रिज देखो कितना चौड़ा बन गया, उस टाइम जब मैं आया था तब ये बन रहा था, 1 साल से ऊपर हो गया, देखो क्या मस्त फुट ओवर ब्रिज बना दिया इन्होंने और कितना चौड़ा बना दिया है, बहुत ज़्यादा फुल होके गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से।
अभी ऐसा करते हैं हम इसको वॉक ऑफ करते हैं। आई होप आप लोगों को जर्नी अच्छी लगी होगी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं भाई जीप, आपको शेयरिंग जीप शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा। जैसे आप बाहर निकलोगे हम आगे उस साइड में जा रहे हैं, उधर भी मिल जाएंगे ऑटो और जीप भी मिल जाएंगे, बसेस मिल जाएंगी जो कि 50 रुपये लेंगे। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं।